आई एम साक्षी, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम लाते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट। 2014 में ओलिदावारू कदांते के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत करने के बाद से रक्षित शेट्टी से अक्सर फिल्म निर्माण में लौटने के बारे में पूछताछ की जाती है। हालांकि वह अब नए प्रतिबद्धताओं में व्यस्त चल रहे हैं। रक्षित ने अक्सर ये बताया है कि वह अपनी अगली स्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं और अब इसकी आधिकारिक पुष्टि हो गई है। जी हाँ, कुछ समय पहले रक्षित ने घोषणा की थी कि रिचर्ड एंथनी लॉर्ड ऑफ द सी में अभिनय और निर्देशन करेंगे वो। आपको बता दें कि उन्होंने लिखा है कि जब मैं ओलिदावारू कदांते बना रहा था तो मुझे नहीं पता था कि इसका कोई प्रीक्वल या सीक्वल होगा। एक बात जो लोगों ने मुझे बताई वह यह थी कि वे इसके केंद्रित चरित्र रिची के बारे में अधिक जानना चाहते थे। मुझे पता है कि ओलिदावारू कदांते के कई अनुत्तरित प्रश्न हैं। यह फिल्म अपनी कथा में ही अधिक रैखिक होगी और इसके प्रीक्वल और सीक्वल दोनों के रूप में कहा जा सकता है। वैसे आपको बता दें कि रक्षित शेट्टी की इस फिल्म को लेकर उनके फैंस और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़ एंड अपडेट।